गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज है 17 जनवरी और हम रुके थे कल यहाँ रूप मुनि धर्मशाला में, नाडोल में। ऐसे बेड है यहाँ, ये 200 रुपये में हमको कल कमरा मिल गया था। और आज है मेरे राइड का 10वां दिन। तो प्लान ये है आज का, नाडोल में एक मंदिर है आशापुरी माता का, वो देखेंगे। मतलब अभी खुला होगा तो, क्योंकि अभी बाहर बहुत अंधेरा है और अभी बजे है सुबह के 6:30, तो देखते खुला होगा तो दर्शन करेंगे। और नाडोल से फिर आगे जाएंगे हम प्रसिद्ध रणकपुर के जो जैन मंदिर है वो देखेंगे। जैन मंदिर के बाद कुंभलगढ़ की तरफ, एशिया की सबसे बड़ी दूसरी दीवार जहाँ है ऐसा कुंभलगढ़ हम देखेंगे। और कुंभलगढ़ के बाद जाएंगे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पानीपत के बाद जहाँ रण संग्राम हुआ था, ऐसी हल्दी घाटी की रक्त तली। और हल्दी घाटी के बाद हम जाएंगे एकलिंग जी, नाथ द्वारा, और वैसे ही जाएंगे उदयपुर। और देखेंगे उदयपुर में रुकने की कोशिश करेंगे, नहीं तो फिर आगे चित्तौड़गढ़ में जाके रुकने की कोशिश करेंगे। तो आज का प्लान बहुत बड़ा है, इसलिए मैंने आज एकदम सफ़ेद टी शर्ट पहन के एकदम रेडी हो गया हूँ, फ्रेश हुआ हूँ और गरम गरम पानी से नहा के सुबह सुबह तो एकदम मस्त लग। और देखिए बाहर अंधेरा बहुत है, अभी 6:30 बजे, ऐसा नहीं लगता कि अभी 6:30 बजे होंगे। तो चलते हैं और मिलते हैं रास्ते पे। आप देख रहे हैं मेरा चैनल जगवेंचर जी, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपना चैनल जगवेंचर जी। और आज की राइड हम शुरू करने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं मेरी भारत करतारपुर पाकिस्तान नेपाल भूटान म्यांमार की यात्रा ऑन द बाइक, वन मैन वन राइड। तो चलते हैं आगे। तो 12,938 किलोमीटर का बाइक का भी किलोमीटर हो रहा है और 10वें दिन की राइड हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। छोटे मोटे गांव आपको लगेंगे, जैसे कि यह भी है गिराली, सादली, अभी ये पड़ा भी नहीं पीछे। और जगह जगह लोग आपको ऐसे लकड़ी जलाए हुए सेकते हुए आपको दिखाई देंगे, क्योंकि मौसम भी बहुत ठंड का है। तो अभी जैसलमेर से कम ठंड है यहाँ पे। तो चलते हैं रणकपुर, जाते हैं मंदिर। आप देख रहे हैं मेरे 10वें दिन की राइड का यह सफर।
तो दोस्तों हमारा सफर पहुंच गया है यहाँ पीछे आप जो देख रहे हैं यही है त्रैलोक के दीपक श्री रणकपुर। रणकपुर बोलते हैं क्या? रणकपुर जैन टेंपल? नहीं नहीं, रणकपुर क्या? रणकपुर, रणकपुर वहाँ पीछे, फिर रणकपुर लिखा था। रणकपुर बोलते हैं कोई, रणकपुर दोनों। अच्छा, ये फंक्शन अभी जो हो रहा है क्या है? मतलब ये सब संत लोग आ रहे हैं एक साथ में, एक आदमी ने सब खर्चा किया। हाँ हाँ, वो जो सबसे आगे थे वो, वो साध्वी बोलते हैं ना उनको, साध्वी जी भी होते हैं, सब साधु सब होते हैं, पूरा अकेला आदमी खर्चा। हाँ क्या मतलब चलते आ रहे हैं वो कहाँ से? 100 किलोमीटर दूर से सिरोही, वो पाली के जीरावल। अच्छा, मतलब वो पैदल जो यात्रा होती है वहाँ से आ रहे हो? ऐसे आ रहे हैं क्या वो? यहाँ से मतलब ये देखिए, यहाँ से स्टार्ट हुआ है उनका, ये प्रॉपर गांव है उनका। हाँ हाँ हाँ, ऐसे मतलब ऐसा सफर का आप चित्रण उनका कर रहे हैं यहाँ पे? यहाँ लास्ट चित्र है, बाहर के चित्र में एक लगाने का था सब। अच्छा, वो हमारा हमारा भाग्य जो इस दिन पधारे हम तो ठीक है दोस्तों, ये देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा है, उनकी जो यात्रा है वो आज यहाँ खत्म हो रही है। तो दोस्तों यहाँ कुछ तो भी फंक्शन हो रहा है, और अभी अंदर कैमरा ले जा सकता हूँ? नहीं 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 नहीं, क्यों अंदर ये रूल्स सर यहाँ का क्या, 12 बजे के बाद एंट्री होती है मोबाइल कैमरे की। मतलब 12 बजे के बाद आप मोबाइल कैमरा अंदर लेके जा सकते हो, उससे पहले नहीं? अभी बजे है कितना बजे? अभी तो 8 बजे है, अभी तो 8 बजे है। फंक्शन जो हो रहा है इसकी वजह से ऐसा रूल है क्या? हमेशा का रूल? अच्छा, तो दोस्तों इतनी दूर आके भी अभी अंदर नहीं जा पा रहे सिक्योरिटी रूल से, ठीक है उनका भी काम है, हम भी उनको सहयोग करते हैं और यहाँ से ही शूटिंग लेते हैं और अंदर जाके दर्शन करते हैं, और फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या है अंदर कैसा है। हा? पर्वत में खड़े हम रणकपुर के, आप देख रहे हैं ये पीछे मेरे जैन मंदिर। सबसे मैं बोल रहा हूँ दोस्तों कि सबसे भव्य दिव्य जो कोई राजस्थान का मतलब पूरे भारत में सबसे भव्य जैन मंदिर अगर कोई होगा तो रणकपुर का जैन मंदिर होगा। तो दोस्तों अपनी भारत, करतारपुर, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार की राइड जो बाइक से निकले हम पहुंच गए राजस्थान के रणकपुर। रणकपुर की विशेषता ये कि रणकपुर का जो जैन मंदिर है उसे रणकपुर जैन मंदिर ऐसे कहा जाता है। त्रैलोक के दीपक, नलिनी गुलमर्ग, विमान, त्रिभुवन विहार, धरण विहार आदि अनेकों अलंकारों से सुशोभित रणकपुर के जैन मंदिर उत्कृष्ट वास्तुशिल्प संरचना और स्थापत्य कला के लिए विश्व विख्यात है। मैं तो कहता हूँ दोस्तों पूरे भारतवर्ष में अगर कोई सबसे बड़ा जैन मंदिर आपको देखना हो तो आपको रणकपुर एक बार जरूर विजिट करना चाहिए। अरावली पर्वत में खड़े हम रणकपुर के, आप देख रहे हैं ये मेरे जैन मंदिर। सबसे मैं बोल रहा हूँ दोस्तों कि सबसे भव्य दिव्य जो कोई राजस्थान का मतलब पूरे भारत में सबसे भव्य जैन मंदिर अगर कोई होगा तो यही रणकपुर का जैन मंदिर होगा। अभी हम कल निकले रामदेवरा से, बाद में आए पाली। पाली से कि पाली के जिले में ही ये पड़ता है, लेकिन पाली से तो भी 76 या 80 किलोमीटर होगा। पाली जिले में अरावली पर्वतमाला जो आप देख रहे हैं पूरी पर्वतमाला, इसको अरावली पर्वतमाला बोलते हैं राजस्थान की। जैसे महाराष्ट्र में सह्याद्री की पर्वतमाला है वैसे ही राजस्थान की ये अरावली पर्वतमाला, और उसकी सुरम्य गोद में मघाई नदी है। यहाँ मघाई नदी के किनारे बने इस विशाल भव्य चौमुखे जैन मंदिर का निर्माण 14वीं शताब्दी में महाराणा कुंभा के मंत्री संगवी धरना शाह पोखाल ने करवाया था।
48,000 वर्ग फुट क्षेत्र में बने 102 फुट ऊंचे 3 मंजिले इस भव्य मंदिर को लगभग 50 वर्षों तक अथक परिश्रम से उनके साथी शिल्पियों ने साकार रूप दिया। और मैं बता दूं दोस्तों, प्रथम तीर्थंकर जो हुए हैं वो आदिनाथ ऋषभदेव, जिनकी अपने नासिक के मांगीतुंगी में ऋषभदेव की जो सबसे बड़ी प्रतिमा है वो उनको भगवान को समर्पित इस मंदिर की प्रतिष्ठापना 1496 में आचार्य सोम सुंदर सूर्यजी के हाथों संपन्न हुई एक है। और मैं बता दूं दोस्तों, इस मंदिर के अंदर इतने स्तंभ है, टोटल 1444 स्तंभ है। और उन स्तंभों की विशेषता ये है कि आप कहाँ से भी देखिए तो भी आपको मंदिर के दर्शन होते हैं, मतलब मूर्ति के दर्शन होते हैं। ये मंदिर की विशेषता है। और एक विशेषता ऐसी कि इसकी चतुर्मुखी चौकोर संरचना प्राकृतिक प्रकाश, हवा और मौसम के सामंजस्य के साथ स्तंभों और देवी कुलिकाओं का इस तरह सुव्यवस्थित संयोजन किया गया है कि आमने सामने आजू बाजू आप कोई भी दिशाओं से देखें तो आपको एक ही दृश्यों से आपको दर्शन मिलता है। और मंदिर के मुख्य मंदिर का जो अभी हम परिसर देख रहे हैं उसके आसपास अभूतपूर्व कलात्मक पार्श्वनाथ, नेमिनाथ, सूर्य नारायण मंदिर के विद्यमान है। यहाँ आने वाले यात्रियों के लिए भी उचित सुविधाएं यहाँ की जाती है। पीछे हमने नीचे हमने देखा कि धर्मशाला भी है। और आज यहाँ कुछ तो भी कार्यक्रम हो रहा है, मैंने आपको दिखाया जो कहाँ से निकले वो एक महीने से निकले वो नाम भूल गए मैं, गाँव का नीचे पड़ा मैंने, वहाँ से निकल के उनका आज यहाँ पे कार्यक्रम वो समाप्त हो रहा है, आज समाप्त हो रहा है। तो ऐसा ये राजस्थान के पाली जिले में अरावली पर्वत में स्थित रणकपुर जैन मंदिर आपको एक बार जरूर विजिट करना चाहिए। और सही में मैं तो ये देख के हैरान हो गया, तो बहुत ही खूबसूरत और बढ़िया मंदिर ये नज़र आ रहे हैं। तो हमारी यात्रा शुरू है दोस्तों, हम चल रहे हैं अभी रणकपुर से आगे कुंभलगढ़ की तरफ। रणकपुर मंदिर के ही नज़दीक से रास्ता जाता है कुंभलगढ़ की तरफ, तो चलते हैं आगे। जय हिंद, वंदे माता। लंदन से घूमने को आया हूँ। हाँ, लंदन से घूमने को आया हूँ। आप लंदन से आए हो, मतलब इंडिया की हो ना? जन्म अफ्रीका में था। अच्छा, 60 साल से लंदन हूँ। अच्छा, मतलब यहाँ खाली देखने के लिए आए हूँ। नेपाल, भूटान, डेनमार्क। वेरी गुड, वेरी गुड। तो करते क्या हो जरा लीजिए? नहीं, मतलब मैं ऐसे प्लेसेस को विजिट करता हूँ। वेरी गुड। और एक्सप्लोर करता हूँ उसे बहुत से ज़्यादा। वो क्या है, कैसे हिस्ट्री क्या है वो? तो उसको RSS की वेबसाइट पे डालो। अच्छा, नहीं वो ये YouTube पे डालता हूँ मैं। YouTube से चैनल बनाया है, बनाया है, डालता है। तो क्या डाल जगवेंचर जी से। तो दोस्तों, हम हमारी यात्रा जो पहुंची रणकपुर में, और हमारा अहो भाग्य की आज जो कार्यक्रम चल रहा है वो देखने को हमको मिला। और वो जो अरेंज किया महाराष्ट्र के मुंबई के मरीन ड्राइव पे जो ले थे अपने अशोक भाई, अशोक जैन, और उनका जो ग्रुप है, हो रहा क्या? अवसर क्रिएशन ग्रुप। जो ये पूरा कार्यक्रम जो इवेंट, बहुत ही मैं तो इम्प्रेस हो गया ये देख के। अभी वो आ रहे पीछे से, अभी 2-1 किलोमीटर पीछे होंगे। और ये संघ है हमारे भाई का, श्रीमती कसुबाई साकलचंद जी, केसरी मल जी, कांकरिया परिवार। अच्छा। ये रहते हैं चेन्नई में और दातराई से लेकर आए हैं। अच्छा। हम 15 दिन सब जगह महाराज साहब के साथ में, हमारे गुरुदेव के साथ में, हमारे गुरुदेव रवि रत्नेश्वर जी महाराजा, उनके साथ में चलते चलते यहाँ पर आए हैं। लगभग हमारा 250 किलोमीटर हुआ है। 250 किलोमीटर, हाँ, एक हमारे 15 दिन में पूरा किया है। आप गायकवाड़ साहब, ये जो हमारा इंटरव्यू ले रहे हो, यह इंटरव्यू जन मन के साथ में पहुँचे और धर्म आस्था का केंद्र बने, यह
खाली जैनों के लिए नहीं, हर एक फिरका में, हाँ, तो गणपति बप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया, बोलो राणकपुर आदेश्वर भगवान की जय। आणि खरोखर खूप आनंद वाटला, मी खूप दिवसानंतर मराठी बोललो आणि ते सुद्धा मला म्हणले कुठून आले काय, त्याच्यामुळे आनंद वाटला। आणि तर आपली यात्रा आलेली रणकपूर मध्ये आणि खरोखर हे कार्यक्रम पाहून आपले अशोक भाई ग्रुप आहे सगळे या इकडून या, हे सब ग्रुप आहे आपला अशोक भाई का सब ग्रुप आहे, हे सब देखिए। और इन्होंने जो मतलब हमको जो ये जब प्यार मिला यहाँ आके वो भी बहुत अच्छा लगा। अभी यात्रा हमारी शुरू है, यहाँ से अभी आगे जाएंगे कुंभलगढ़ की तरफ। विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड लक, और ये हमारी यात्रा याद रखना, और आपसे मिलके बहुत खुशी हुई है। और आप 10 मिनट पहले आते तो हमारे पूरा संघ का आपको ये मिलता है। तो अभी आप यूट्यूब पे देंगे तो यूट्यूब चैनल को भी ऑल द बेस्ट एंड गुड लक। थैंक यू सो मच, थैंक यू।